BASPL इस एक ट्रेस ने इंजीनियरिंग छोड़ साउथ में रखा था कदम। जानिए इनसे जुड़े किस्से। जन्मदिन से एक दिन पहले शुक्रवार को रिलीज हुई कृति सैनन की फिल्म अर्जुन पटियाला को क्रिटिक्स ने कुछ खास नहीं सराहा, लेकिन इससे पहले कई फिल्मों में उनके किरदार को लेकर काफी तारीफ हुई है। आज कृति अपना 29वां जन्मदिन मना रही है। इस खास मौके पर आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। कृति का जन्म 27 जुलाई 1990 नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता राहुल सैनन एक सीए हैं, जबकि उनकी मां गीता सैनन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। कृति खुद भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं। उन्होंने नोएडा के कॉलेज से बीटेक किया है। कृति ने अपने करियर की शुरुआत साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ की थी। उनकी पहली फिल्म तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर नेनुकाडाइन थी। कृति को इस फिल्म के लिए तारीफें तो खूब मिली थी, लेकिन पहचान नहीं। इसके बाद कृति टाइगर श्रॉफ के साथ शबीर खान की हीरोपंती में नजर आई। ये उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। फिल्म हिट रही और कृति की झोली में कई अवार्ड दे गई। इसके लिए कृति को फिल्म फेयर, आईफा और बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड मिले थे। कृति सैनन की एक छोटी बहन नुपुर भी है, जो उनके बेहद करीब है। दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई भाई नहीं है। कृति सैनन और नुपुर साथ में रक्षाबंधन मनाती हैं। कृति ने अभी तक ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं किया है। बतौर लीड एक्ट्रेस रिलीज हुई उनकी 4 फिल्में हिट रहीं। सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की।